सो हेलो गाइस, वेलकम टू विदेशी ब्रो। मेरा नाम है पुलक दे एंड आज हम एक लेजेंडरी शूज के ऊपर बात करेंगे जो कि है एशियन ब्रांड से एंड उसका नाम है लेजेंड 01। शूज के नाम में ही लेजेंड दिया हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स रोल विद द इंट्रो। आर कैमरा अच्छा ना अपना रहा। बाय द वे वन मोर मिनट, आप कौन सा स्पोर्ट सबसे ज्यादा खेलते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता। आई वांट टू नो। So, वैसे इसका अनबॉक्सिंग काफी बेसिक सा है, काफी बेसिक सा बॉक्स है एंड उसके ऊपर एशियन की ब्रांडिंग है। साइड में आपको शूज का नाम एंड एमआरपी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो वैसे इस शूज का एमआरपी मैं आपको पहले बता दूं, इस शूज का एमआरपी अराउंड 1200 टू 1300 के बीच में आता है एंड बॉक्स पे कुछ ज्यादा एमआरपी दिया हुआ है तो आपको दूसरे अमेजॉन वेबसाइट में वेरी डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी शूज, ये शूज का मटेरियल कैसा है, ये कैसा इसका बिल्ट है। तो सबसे फर्स्ट जो मेरा नजर पड़ा है दैट इज इसका जो सोल, ये सोल ट्रिपल लेयर्ड प्रोटेक्टेड सोल है विच इज वेरी यूनिक, वेरी गुड एंड कंसिडरिंग द प्राइस। लाइक अगर आप सेल वगैरह में खरीदोगे तो 1000 के अंदर आपको आ जाएगा शायद। तो इस प्राइस रेंज में इतना बहुत इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड का सोल मिलना बहुत मुश्किल है, तो एशियन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सोल के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हम इसके मटेरियल पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो शू का पूरा मटेरियल है ये एक नीटेड मटेरियल, 3D नीटेड मटेरियल है एंड इसमें ब्रीदिंग बहुत अच्छे से होगा। ब्रीदिंग एज इन कि आपके पैरों में ज्यादा पसीना नहीं आएगा, अच्छे से वेंटिलेशन रहेगा एंड इस शूज का जो कुशनिंग है बहुत ही मोटा है। तो डेफिनेटली ये आपको कहीं से भी एकदम चीप मटेरियल नहीं लगेगा एंड बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। प्लस अगर आप इसके डिजाइन पे जाओगे तो इसका जो नीटेड पैटर्न है ये पूरे शूज में अलग अलग वेरिएशन के साथ आता है। तो जो आपको इनिशियल फुट प्रिंट दिखेगा वो एक स्टैंडर्ड सा नीटेड पैटर्न है, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक वेवी सा मिलेगा एंड उसके एंड में एक बहुत ही लंबा वेवी पैटर्न का नीटेड डिजाइन मिलेगा। प्लस उसके साथ आपको रेड हाइलाइट्स भी मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है। वैसे ये शूज के कलर अगर मैं बोलूं तो ये ट्रिपल कलर में आता है। नेवी इसका प्राइमरी कलर है, रेड इसका हाइलाइटिंग कलर है एंड सेम व्हाइट भी इसका हाइलाइटिंग कलर है। एंड ये शू के और तीन कलर्स में आते हैं जो कि है व्हाइट में आता है एंड ग्रे कलर में आता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी ब्रांडिंग, कहाँ कहाँ पे ब्रांडिंग किया हुआ है। तो आपको एशियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी राइट लेफ्ट दोनों जगह पे। प्लस आपको इसके शू के टंग में ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड टंग के पीछे आपको शू के साइज का डिटेल्स मिल जाएगा प्लस ब्रांड का लोगो मिल जाएगा। एंड ये जो इन लोग ने दिया है टंग के पीछे साइज, ये एक बहुत ही प्रोफेशनल मूव है। काफी बड़े बड़े शू ब्रांड्स ऐसा डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मेरे को ये शू का एक हाइलाइटिंग फीचर बहुत ही अच्छा लगा है जो कि इसका ये थ्रेड डालने का, थ्रेड नहीं, जो कि ये इसका लेस डालने के जो होल्स है वो होल्स नॉर्मल होल्स नहीं है। इनफैक्ट वो लोग ने इस पे भी एक पैटर्न डाला है, सिल्वर एंड रेड कलर का पैटर्न है, तो आपको वो होल्स भी इजीली नहीं पता चलेंगे एंड बहुत ही अच्छा क्लीन लुक आता है। इनफैक्ट अगर आप ये पूरा शूज देखोगे तो कहीं से भी आपको कोई लूज एंड नहीं मिलेगा और उसके पीछे साइड में आपको एक होल्डर भी मिलता है। ये होल्डर आपको शू होल्ड करने के लिए या फिर इजीली पहनने के लिए। एंड ये जो शू का हाइट है ये भी काफी ऊंचा है तो आपका पैर इजीली निकलेगा भी नहीं, अच्छे से कंफर्टेबल रहेगा। अब मूविंग टू द इनसाइड ऑफ द शूज, यहाँ पे है मेन मसाला। इसके अंदर दिया हुआ है मेमोरी फोम कुशन। अभी मेमोरी फोम कुशन बहुत ही अच्छा कुशन होता है, नॉर्मल कुशन से काफी ज्यादा बेटर होता है एंड इनफैक्ट मेमोरी फोम बड़े बड़े ब्रांड्स ही देते हैं लाइक जो काफी ज्यादा हाई प्राइस के होते हैं, बट एशियन एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको एक वेरी अफोर्डेबल बजट में आपको इतना अच्छा क्वालिटी दे रहा है। स्पीकिंग ऑफ द ब्रांड, एशियन एक ऐसा ब्रांड है जो डे बाय डे अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते जा रहा है, अपने डिजाइन को इम्प्रूव करते जा रहा है एंड अपने यूजर्स की सुनता भी है। तो सेम वे मेरे को ऐसा इसमें पता चला कि पहले इसका जो क्वेश्चन था ये ग्लूड नहीं आता था, तो ऐसा एंड ऐसे मोस्टली जो भी मिड रेंज शूज होते हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन ग्लूड नहीं आता है, तो विद टाइम वो चलते चलते निकल जाता है। बट देन एशियन ने इस चीज को सुना अपने यूजर रिव्यूज को एंड देन उन्होंने अपने क्वेश्चन को भी ग्लूड कर दिया। तो ये जो है आप इसको निकालने का ट्राई मत करो, ये नहीं निकलेगा, ये पूरा प्रॉपर ग्लूड है एंड अच्छे से फिटेड है। तो ये आपको पैरों को बहुत ही कंफर्ट देगा, बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखेगा एंड ये शू कहीं से भी आपको एक मिड रेंज शू तो नहीं लगेगा। अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी लोअर साइड ऑफ दी शूज, इसके जो नीचे का सोल पार्ट है जो कि इसका मेन हाइलाइटिंग फीचर है एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये थ्री प्लेयर प्रोटेक्टेड शू है, तो इसका जो ये नीचे का मटेरियल है
ये वाला, ये एक टीआरपी मटेरियल सोल है एंड उसके ऊपर एक वाइट फोम है, बहुत ही कंफर्टेबल फोम है। एंड ये जो अपर लेयर एंड मिड लेयर को कनेक्ट करने के लिए एक अलग से प्लास्टिक का लेयर भी दिया हुआ है, जो कि आपके शू को बहुत अच्छे से बिल्ट रखता है। बिकॉज मैंने मोस्टली शू में देखा है कि ये अपर का पार्ट एंड सोल का पार्ट विद टाइम फटते जाता है एंड वो निकल जाता है, तो वो केस इस शू में बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज बहुत ये जो प्लास्टिक है बहुत ही देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्लू किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से कास्ट किया हुआ है। तो इसमें अगर आप हैवी स्पोर्ट्स करते हो या फिर हैवी रनिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको कोई बिल्ड को लेके तो कोई तकलीफ नहीं होगा। वैसे अगर आपको इस शू का रिव्यू अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। एंड ऐसे ही मैं रिव्यू एंड मेंस फैशन के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो अगर आपको वो देखने हैं तो आप डेफिनेटली चैनल पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हो, बिंज वॉच कर सकते हो। एंड सेम एशियन ब्रांड का ही मैंने एक और शू रिव्यू किया है, दैट इज एशियन मेटा फ्यूजन 1, वो भी बहुत ही किलर शू है एंड वो मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ, दैट इज माई वन ऑफ द फेवरेट शूज। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस शूज, तो ये जो प्लास्टिक वाला पैटर्न है ये भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तो कैरी करता ही है, प्लस ये एक फैशन एलिमेंट भी है इस शू को लेके। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से आपको ब्लैक दिखेगा एंड ये कंटिन्यू होते होते ब्लू कलर का हो जाता है, तो ये काफी एक हाइलाइटिंग फीचर लगता है बिकॉज ये नेवी कलर एंड उसके ऊपर ये ब्लू प्लास्टिक का कलर, तो बहुत ही आई ग्रैबिंग लगता है। अभी नाउ मूविंग टू द फीचर्स ऑफ दिस शू, तो ये शू का जो वेट है वो है 380 ग्राम्स, तो ये थोड़ा सा हैवी साइड में है, तो अगर आप हैवी रनिंग करने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको हैवी रनिंग के लिए रेकमेंड तो नहीं करूंगा, बट अगर आपका कोई स्टिल स्पोर्ट है जैसा कि बैडमिंटन हो गया या फिर वॉलीबॉल हो गया जहां पे आपको ज्यादा भागना ना पड़े, साइकिलिंग हो गया, तो डेफिनेटली आप ये शू को कंसिडर कर सकते हो जहां पे आपका ज्यादा जंपिंग वगैरह होता है। बिकॉज उस टाइप के स्पोर्ट्स में आपको शू का होल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये शू वही प्रोवाइड करता है। बट हाँ, आप शॉर्ट रनिंग या फिर जॉगिंग के लिए डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा चॉइस माना जाएगा ये। सो या दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट दिस शूज, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट, आप अगर ये शूज ले रहे हो तो उसको कौन से स्पोर्ट में यूज करोगे या फिर आप कौन सा स्पोर्ट डेली खेलते हो, मैं वो कमेंट सेक्शन में बताऊं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इसके बाद एक और एशियन के माइंड ब्लोइंग शूज का रिव्यू आने वाला है, एंड वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं है, वो कैजुअल कैटेगरी में है, एंड मेरा मतलब है कैजुअल में भी काफी यूनिक है, तो डेफिनेटली मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसको मिस कर लो। सो या दिस इज पुलक दे साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। We'll be right back.